everyone, welcome back to yet another video of logical diagrams. In this particular video, we'll be talking about the basic concept related to logical diagrams. Kis type ke questions honge? Kuch is type ke, wherein you are given 3 elements, 4 elements, 2 elements, and you are asked which of the following diagram logically relates the correct relationship between the given 3 elements. ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो बने रहना लास्ट तक. विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, फ्यू इंटरेस्टिंग्स एज वेल. ओके, नाउ हाउ डू वी स्टार्ट विद दिस? व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ इट? अगर मैं बोलूं तो सबसे बेसिक फंडामेंटल है इसका कि आपको यहाँ पे अपना दिमाग यूज करना है और इसके साथ साथ जनरल नॉलेज भी यूज करनी है. विच मीन्स whenever you look at an element here, उसका जो भी meaning बनता है in reality, उसे आपको follow करना है. Don't get confused with the syllogism part here. यहाँ पर मुझे actual में general knowledge या meaning को use करके इन elements के जो actual meaning होते हैं उन पर काम करना है, और जो correct relationship actual में होना चाहिए आपस में इनके, उसे रिप्रेजेंट करना है जिस भी डायग्राम से वो बेस्ट सूटेड हो, जो मैक्सिमम तक उसे बेस्ट रिप्रेजेंट कर पाए, उस पर्टिकुलर डायग्राम को मुझे पिक करना है. जैसे यू विल सी कि किस तरीके से आपको ऑप्शंस को मार्क करना है, किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना है. नाउ इफ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लेट्स से आई टेक दिस एज लाइन. ये पहला सर्कल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सर्कल लेट्स से वुल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटिंग द डॉग्स. अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे क्या रिलेशन बन के आ रहा है? द रिलेशन सीम्स टू बी सम लायंस आर वुल्फ. क्या ये ट्रू है? जस्ट थिंक ऑफ इट. और सम डॉग्स आर वुल्फ. Is this true? No, right? ये false हो गया. Because go to the literal meaning of the terms involved here. A dog cannot be a wolf or a lion cannot be a wolf. Simple as that. तो ये references गलत हो रहे हैं. इसलिए मतलब क्या है कि ये जहाँ पे भी intersecting वाला एक भी diagram बन रहा है वो सारे गलत हो जा रहे हैं. तो ये वाले भी मैं गलत कर दूंगा, ये वाले भी गलत कर दूंगा. Now if I talk about this one, lion, wolf and a dog, I can see the relation as no lion is a wolf or a dog, and that is absolutely correct. Same goes the other way around. No dog is a lion or a wolf. No wolf is a lion or a dog. So ye sabse correct representation hai in out of the 4 options that I have. So I'll mark this as my correct representation of the given elements that I have. आई फील विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, एक कॉमन तरीका मिल गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको जनरल नॉलेज पे जाना है, जनरल मीनिंग पे काम करना है, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन होंगे उसके बाद इसे सॉल्व करना है. ऑल राइट, नेक्स्ट वन. अगेन आई हैव केप्ट दोस 3 elements इंटैक्ट, लाइन, वुल्फ एंड डॉग. Now I have added one more element which is animal. क्या ये सबके सब animal है? Yes. So again you see intersecting वाले part तो cancel हो जा रहे हैं. Just now we have seen. ये वाले में अगर मैं इसे ऐसे रखूं, animal, lion, wolf, dog, इससे क्या relation बन रहा है? No animal is a lion or a wolf or a dog. ये absolutely false है. सो मैं थर्ड वाले पे जा सकता हूँ, और मैं आउटर सर्कल को क्या रख लूँ थर्ड के लिए? आई कैन कीप इट एज एनिमल्स. नाउ बी इट लायन और वुल्फ और अ डॉग, ऑल ऑफ देम आर एनिमल्स, राइट? सो दिस रिलेशन दैट इज ऑल लायंस और वुल्फ्स और डॉग्स आर एनिमल्स, एब्सोल्युटली ट्रू. ऑल्सो नो लायन इज अ डॉग or a wolf, this is again true.
बोथ ऑफ दीज रेफरेंसेज जो मैं यहाँ पे देख के बना रहा हूँ, देखो ये रेफरेंसेज जो मैं बना रहा हूँ इस डायग्राम को देख के बना रहा हूँ, इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख के बना रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज तो चेक नहीं कर रहा हूँ कि ये यहाँ से ऐसे मुख जो दिख रहा है बस उतने पे काम करना है आपको और कुछ नहीं। जो इसके अलग पॉसिबिलिटीज है वो इस तरीके से बने हुए हैं राइट, उनको ही तो आप कैंसिल कर रहे हो। कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसे मार्क करो, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट फिट हियर, सिंपल एज दैट। ज़्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं होता आपको, बस किसी भी तरीके से जो ऑप्शन गलत लग रहा है उसे एलिमिनेट करते चलो, एक ऐसा आएगा जो नियरेस्ट टू सही रहेगा उसे आपको मार्क करना है, जो सही रहेगा उसे मार्क करना है। मूविंग ऑन, विमेन मदर्स एंड सिस्टर्स विच आउट ऑफ द 4 डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन अ विमेन अ मदर एंड अ सिस्टर। नाउ अगर मैं पहले वाले से स्टार्ट करूं, मैं आउटर सर्कल को विमेन रख सकता हूं, नेक्स्ट वाले को मैं क्या रख लूं, इफ आई कीप इट एज मदर एंड इफ आई कीप इट एज सिस्टर क्या रिलेशन बन रहा है, ऑल सिस्टर्स आर मदर्स, या ये बन रहा है ऑल सिस्टर और मदर्स आर विमेन, ये तो ट्रू है, लेकिन आप बताओ ऑल सिस्टर्स आर मदर्स क्या ये ट्रू है, विच मीन्स हु डू यू कॉल अ सिस्टर, योर सिबलिंग ऑफ फीमेल जेंडर इज अ सिस्टर, इज इट नेसेसरी दैट इफ यू हैव अ सिस्टर शी हैज टू बी अ मदर, राइट। तो ये वाला रेफरेंस गलत हो रहा है, आप समझ पा रहे हो यहां पे, तो मैं इसे कट कर रहा हूं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, अगेन मैं आउटर को वुमेन रख रहा हूं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वुमेन राइट, बी इट अ मदर और अ सिस्टर। नाउ मदर्स एंड सिस्टर्स, इससे आ रहा है नो मदर इज अ सिस्टर, क्या ये करेक्ट है, या दूसरा नो सिस्टर इज अ मदर। नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट हाउ डू यू डिफाइन अ मदर, एनी वुमन गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड बिकम्स अ मदर, दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मदर हियर, क्लियर है, गो बाय द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व्ड। सो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ से ड्रॉ हो रहे थे, तो ये वाला कंक्लूजन, ये वाला डायग्राम बिल्कुल ही गलत है। नाउ कैन आई टेक द 4th वन वेर इन सम ऑफ दीज वुमेन्स आर मदर्स, सम ऑफ दीज वुमेन्स आर नॉट मदर्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज सम वुमेन आर मदर्स, ये तो फिर भी टिक हो रहा है, लेकिन वॉट अबाउट दिस वन, सम मदर्स आर नॉट वुमेन, ये गलत है ना, दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट शोज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ वुमेन, सम मदर्स आर नॉट वुमेन, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, सो आई हैव टू कैंसिल इट आउट। नाउ कमिंग टू द लास्ट डायग्राम, आपको पता यही आंसर होगा क्योंकि बच गया, लेट्स सी इसे कैसे मैं प्रूव कर रहा हूं। आउटर एलिमेंट शुड बी women, now inner elements could be mothers and this one could be sisters, all mothers or sisters are women, absolutely correct. Next, some mothers are sisters, some mothers are not sisters and the vice versa. Some sisters are mothers, some sisters are not mothers. All of these correct. Vice versa is also correct. So this is the best case scenario. Second correctly follows. And you know why these are not following. 1, 3 and 4. ये क्यों गलत हो रहा है ये भी आप समझ पा रहे हो I guess. Clear है? चलिए moving forward. A boy, a girl and student. How do you define a boy? Male gender based on gender, biologically based on gender of a particular age group. Girl again female gender, particular age group. Student, how do you define a student? Anyone who studies is a student, right? It could be a boy, it could be a girl, it could be a man, it could be a woman, it could be a child. Anyone who studies becomes a student. It's not necessarily that anyone who's a boy has to be a student or anyone who's a girl has to be a student. So,
अगर मैं इन रेफरेंसेस पे जा रहा हूँ, आइडियली मैं किसे ऐसे देखता हूँ कि स्टूडेंट्स एंड देन वी हैव बॉय एंड गर्ल. नो बॉय इज अ गर्ल, एब्सोल्युटली करेक्ट. हाँ, ऑल्सो कीप दिस इन माइंड, वी हैव ऑल्सो डिस्कस दिस सो मेनी टाइम्स इन ब्लड रिलेशन एंड ये सारी चीज़ें. व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर्स ऐसे रेफरेंसेज में, कॉम्पिटेटिव सेक्टर में, वी हैव गॉट टू जेंडर्स, मेल एंड फीमेल और बॉय एंड गर्ल. प्लीज कीप दिस इन माइंड. सेकेंडली, व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिज और व्हेन वी टॉक अबाउट कपल्स, वी टॉक अबाउट अ मेल एंड द अदर वन हैज़ टू बी अ फीमेल. वी टॉक अबाउट टू डिफरेंट जेंडर्स फॉर देम टू बी अ कपल. ये जो सेगमेंट्स है ये चेंज करेंगे आगे जाके, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड दैट वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू टैकल द क्वेश्चन. दिस इज नॉट द रियलिटी ऑब्वियसली, बट वी हैव टू कीप दिस इन माइंड टू आंसर द क्वेश्चन. ऑलराइट, नो बॉयज अ गर्ल इज करेक्ट, ये यहाँ से ड्रॉ हो रहा है. बट ऑल बॉयज और गर्ल्स दैट यू सी आउट देयर इज अ स्टूडेंट, ये कैसा वीक स्टेटमेंट है सोच के देखो. वी आर टॉकिंग कि कोई भी अगर लड़का है और कोई भी अगर लड़की है, दे हैव टू बी अ स्टूडेंट. चांसेस है कि 90% ऑफ द बॉय और अ गर्ल आर स्टूडेंट. ऑल मीन्स 100%, तो ये गलत हो गया ना, इसे काट दो. सेम गोज फॉर जहाँ पे भी ये कॉमन वाला पार्ट आ रहा है, मतलब ये ओवरलैप कर जा रहे पूरे तरीके से, तो ये गलत हो गया. राइट, ये तीनों ही ओवरलैप कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर बॉय और गर्ल कहीं पे भी रहा, तो ये आ रहा है सम बॉयज आर गर्ल्स. इज इट ट्रू? नहीं ना, बोल दिया दो जेंडर्स हैं. दिस इज अगेन रॉन्ग. नाउ वी गेट लेफ्ट विद दिस वन. सो इफ आई टेक द मिडिल वन, इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ स्टूडेंट. बाकी के दो तरफ आई कैन प्लेस बॉय एंड गर्ल. सो नो बॉय इज अ गर्ल, करेक्ट. सम बॉयज आर स्टूडेंट्स और सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स. सम बॉय और गर्ल आर नॉट स्टूडेंट्स. सम ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर नीदर बॉयज नॉर गर्ल्स. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ऑल थ्री, ऑल फोर आर करेक्ट. दिस इज द मोस्ट सूटेबल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर है? चलिए मूविंग फॉरवर्ड. अ बॉय, एन एथलीट एंड स्टूडेंट्स. बॉय, एथलीट एंड स्टूडेंट्स. पिछले वाले रेफरेंस से मुझे ये तो समझ में आ रहा है, सम ऑफ द बॉयज आर स्टूडेंट, सम ऑफ द बॉयज आर नॉट स्टूडेंट. सेकेंडली, सम ऑफ द बॉयज आर एथलीट्स, सम ऑफ द बॉयज आर नॉट एथलीट्स. सम ऑफ द एथलीट्स आर बॉयज, सम ऑफ द एथलीट्स आर नॉट बॉयज. एंड सम ऑफ द एथलीट्स आर नॉट स्टूडेंट, सम ऑफ द एथलीट्स आर स्टूडेंट. मतलब ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट होगा. देखो इससे तो नहीं हो रहा है, रीजन क्या है आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करूँ, मान लो मैं इसे रख दूँ एज स्टूडेंट, इसे बॉय, इसे एथलीट, तो नो बॉय इज एन एथलीट. मतलब दो ऐसे एलिमेंट आ जा रहे हैं जो बिल्कुल ही सेपरेट हो जा रहे हैं. क्या आप इन तीन एलिमेंट को बिल्कुल सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत हो गया. ऑल्सो, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इनमें से विच इज कवरिंग और इनकम्पासिंग द अदर टू? तो ये भी गलत. इनकम्पासिंग द अदर टू, ये भी गलत. तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा बॉय, एथलीट और स्टूडेंट, ये वाला. अब देखो इससे रेफरेंसेस क्या बन रहे हैं. सम ऑफ द बॉयज और एथलीट्स आर स्टूडेंट्स, सम ऑफ द बॉयज और एथलीट्स आर नॉट स्टूडेंट्स. अगेन, सम स्टूडेंट्स आर बॉय, सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज. Some students are athletes, some students are not athletes. Not वाला part यहाँ से denote हो रहा है, ये वाले जहाँ पे जो common नहीं है, common वाले part से denote हो रहा है कि तीनों में intersection है. ये जो common part है ये तीनों को represent कर रहा है. ऐसा clear है? ये सारे के सारे references जो भी मैं draw कर रहा हूँ सब इसमें correctly बैठ रहे हैं, इसलिए मैं fourth वाले को mark कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ. Professors, men and doctors, find the logical diagram that correctly represents the relation between a professor, a man and a doctor. Okay, can we start with this? That means, क्या बताओ ऐसा है, ये इन तीनों में से कोई ऐसा है जो overlap कर जाए, इनको पूरी तरीके से encompass कर जाए?
बिल्कुल नहीं ना, सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे मैन रख रहा हूँ तो कैसा होगा, ऑल प्रोफेसर्स आर मैन, बिल्कुल गलत। ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे प्रोफेसर्स मैन होंगे, या ऑल द डॉक्टर्स आर मैन, रॉन्ग। अगर मैं यहाँ पे प्रोफेसर्स रख दूँ तो आ रहा है यहाँ पे मैन, ऑल मैन आर प्रोफेसर्स, एब्सोल्युटली फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर रख दूँ तो ऑल प्रोफेसर्स और ऑल मैन आर डॉक्टर्स और ऑल प्रोफेसर डॉक्टर, इट इज़ अगेन फॉल्स। यू हैव टू कट दिस, दिस इज नॉट फॉलोइंग। बी इट अगर मैं कुछ भी रख दूँ आउटर लेयर, सेम गोज यहाँ पे भी। इनकॉम पास करने वाला जो चीज़ है ये, जिसे सर्कल अप कर ला, ये भी गलत हो जाएगा। नाउ कैन आई स्टार्ट विद द सेकेंड वन? सेकेंड में मैं क्या रख सकता हूँ, सेंटर पे मैं रख सकता हूँ मैन, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ प्रोफेसर्स, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ डॉक्टर्स। इससे क्या रीज़न बन के आ रहा है, सम प्रोफेसर्स आर मैन, करेक्ट? यस, सम डॉक्टर्स आर मैन, करेक्ट? सम मैन आर नॉट प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स, करेक्ट? बट एक बात बताओ, ये भी तो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, वेर इन प्रोफेसर्स एंड डॉक्टर्स देर इज नो कनेक्शन, दैट इज नो प्रोफेसर इज अ डॉक्टर। क्या ये सही है? ये एब्सोल्युटली फॉल्स है ना। आप नो का मतलब आप 100% बोलो कि देर इज नो कनेक्शन बिटवीन अ प्रोफेसर एंड अ डॉक्टर, अ डॉक्टर कैन नॉट बी अ प्रोफेसर, दिस इज वॉट यू आर ट्राइंग टू से, विच इज रॉन्ग। थिंक ऑफ इट, सी, यू गो टू एनी मेडिकल कॉलेज, द प्रोफेसर दैट यू सी ओवर देयर आर डॉक्टर्स, द डॉक्टर्स टीच ओवर देयर, दे आर प्रोफेसर्स। ऑल्सो अगर आप ने PhD कर रखी है, कंप्लीट कर लिया है, यू गेट द डेजिग्नेशन ऑफ अ डॉक्टर, सो इन दैट वे वी कैन से सम ऑफ द प्रोफेसर्स आर डॉक्टर्स एज वेल, नॉट ऑल बट या सम। सो देर हैज टू बी अ कनेक्शन बिटवीन ऑल थ्री। ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं कि तीनों ओवरलैप करने चाहिए कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ पार्ट इनका कनेक्टेड होना चाहिए। द बेस्ट सूटेड डायग्राम इज दिस वन। यहां पर देखो सारी चीजें मैच करेंगी, ये मेरे लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा, ये रॉन्ग हो जा रहा है इसके वजह से, लास्ट वाले की वजह से। क्लियर है? नाउ यू हैव अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, हिस्टोरियंस, इकोनॉमिस्ट एंड नोबल प्राइज विनर्स, दीज थ्री एलिमेंट्स आर देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोबल प्राइज विनर्स। नोबल प्राइज कौन कौन सी कैटेगरी में मिलता है लोगों को, टेल मी क्विकली, थिंक ऑफ इट एंड ट्राई एंड गेट टू द सोल्यूशन हियर। यू गेट द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स, यू गेट द नोबल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, यू गेट द नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन, यू गेट द नोबल प्राइज फॉर पीस, यू गेट द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, यू गेट द नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। डिड एनी इंडियन गेट द नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स? जस्ट थिंक ऑफ इट एंड ट्राई एंड आंसर दिस। यस यस यस, अगर आंसर समझ में आ रहा है इसका तो जल्दी से कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स पे, जल्दी जल्दी जल्दी, अगर आपको ये आंसर मालूम है व्हाट आई एम आस्किंग, एनी इंडियन विनिंग दी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इफ यू नो द आंसर प्लीज कमेंट, लेट मी सी। ऑलराइट, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन, क्या यहाँ पे मैंने हिस्ट्री लिखा? हिस्ट्री नहीं है, सो यू डोंट गेट नोबेल प्राइज इन हिस्ट्री, बट यू गेट सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट may get Nobel Prize and are getting Nobel Prizes, not all. If you are an economist, doesn't mean that you would be getting a Nobel Prize. So which one is a correct representation between these two elements? I feel this one shows a correct relation. These two are connected, these two are also connected. So this could be a possible one. This could be Nobel Prize winners. This could be the economists. And this could be the historians. No historians are economists and no historians are this one. This suited correctly. Clear? Because in mein Nobel Prize winners mein historians mein koi connection nahi hona chahiye. Aap dekho, baaki ke tino elements overlap kar rahe hain. Toh main is tarike se in tino ko hi eliminate kar dunga. Haan, ye kab possible hai? When I at least know this basic knowledge. ये basic knowledge अगर मुझे नहीं पता, that is in what discipline, in what categories डू वी गेट दी नोबल प्राइसेस, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। आई विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एलिमेंट्स हियर, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। क्लियर?
moving forward. Solar system, Mars and galaxy. Solar system, Mars and galaxy. Now, Mars is part of solar system, and solar system as a whole is part of galaxy. So we are looking out for this one. Now, just think of this. Mars, if I take this one, all the Mars are part of solar system, and the solar system is part of the galaxy. This is the most suited diagram, right? We talk about Mars. Mars is ultimately part of the galaxy. So, ye wale to consider honge hi nahi. Ye wale bhi bilkul nahi honge. Aur yahan pe bhi dekho, alag alag ja rahe ho. Ye bhi nahi hoga. This is the most suited diagram for this particular question. All right. Moving forward to the last few questions. Now, another interesting one. Okay, women, mothers and divorcees. Can we start with the first one? Okay, can we keep it as women? Then we have mothers and divorces, which means some mothers are women. Ye to yahin pe galat ho gaya. All the mothers are women. To aise wale intersection dekho kahan kahan pe hai. Ye teenon mein hai. Let's start with this. Outer layer is women. This is mothers. This is divorces. All mothers are women. Absolutely correct. All divorcees are women. Absolutely false. Also, no divorcees are mothers. That is again absolutely false. But yahan se ye references to draw ho rahe the na. To ye galat references draw ho rahe. Clear hai? Now, again, if you take this one and the inner elements as mothers and divorcees, what do we have here? Let's see. All mothers are women, correct. Some mothers are divorcee, some mothers are not divorcee. Ye sare correct ho rahe hain. But all divorcees are women, ye to galat hai na yaar. Sorry, yahan pe bhi all hai. Sorry. Clear? यहाँ पे follow कर पा रहे हो आप लोग? कोई दिक्कत? This is false. Now let's talk about this one, and this particular circle here becomes the women. चाय के कप के साथ नहीं. Okay. Inner to this one should be the mothers. Now all mothers are women. Absolutely correct. This one naturally becomes the divorcees. Some of the divorcees are women as well as mothers. Some of these divorcees are neither women nor mothers. Dekh lo ye wale part. These are not part of the women, and these are part of the women, but these are not part of the mother as well. That means some of the divorcees can be women, but they are not mothers. Yeah. Some of the divorcees are not of the female gender. They could be the males. So we are talking about this part with this. This is the most correct representation for the given elements that I have as women, mothers and divorcees. I feel this is clear. Chale, moving on, answer 3, option 3 is the correct answer. Next, females, mothers and daughters. Females, mothers and daughters. Find the logical diagram that correctly represents the relation between them. Females, mothers and daughters. Now tell me, all the mothers are females and all the daughters are female. So you should be getting two smaller circles inside a larger one. ये बाहर की तरफ जा रहा है तो इसे तो तुम यहीं पे एलिमिनेट कर दो. इट कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट? नाउ मदर्स एंड डॉटर्स, दिस इज आउटर फीमेल. नो मदर इज अ डॉटर और नो डॉटर इज अ मदर. फॉल्स. ओके, फीमेल वी गेट मदर एंड वी गेट डॉटर.
फ्रॉम हियर आई से ऑल मदर्स और डॉटर्स आर फीमेल. एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? सम मदर्स आर डॉटर्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव सम मदर्स आर नॉट डॉटर्स. इज दिस करेक्ट? सम मदर्स, दिस वन, आर नॉट डॉटर्स. दिस इज फॉल्स. एनी मदर दैट वी टॉक अबाउट, एनी वन, एनी मदर, शी इज अ डॉटर टू हर पेरेंट्स. एनी मदर दैट वी सी, शी इज ऑल्सो अ डॉटर टू हर पेरेंट्स. So the most correct representation would be this one, wherein I say all the mothers are daughters and all the daughters are females and all the mothers are females. Option 3 again seems to fit in. Clear, everyone? I feel now you have a rough idea of how to move about with the solving process. Moving forward, find the logical diagram that correctly represents the relation between Indians above poverty line, Indians below poverty line, and the Indians belonging to the middle income group or the middle class people. So anyone who is earning above poverty line, when we represent Indian above poverty line, we talk about above the poverty margin. So those people should be part of the middle income group. Now Indians below poverty line are not part of the middle income group. So there cannot be connection between these two. And this as a whole, the first one, should be part of this completely. So kaun sa dikh raha hai ye wala? Indians above poverty line, and these are Indians with middle income, middle age group income, and these are Indians below poverty line. This is the most correct representation. That means, देखो जो middle age group में है, income वाले bracket पे है, वो और ये, इसके बीच में कोई connection नहीं है. This is the correct one. All three are eliminated. Now, last question for the day, and you take it as homework. Comment down the correct option in the chat box for potato, vegetable and food. Which of the following diagram represents the correct relationship between them? Also, tell me if you have any queries in the chat box. Next, if you want some particular topics, video on particular topics, please mention that as well. For class PDF, you can always mail us at thinkhigh247 or follow us on our Instagram, that is Aptitude with Abhishek. Take care, bye-bye, God bless you all. See you all in the next.